नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू और मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान आलू तिलक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब भी छोटी मोटी भूख लगे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने दो आलू लिया है, ये कच्चा आलू है दोस्तों, इसको मैंने छील लिया है और छील कर इसको मैंने पानी में डाल दिया है। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे, ये देखिए इसे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए इसे हम दो तीन पानी अच्छे से साफ कर लेंगे। आलू को मैंने दो पानी अच्छे से साफ कर लिया है, ये देखिए ये अच्छे से साफ हो चुका है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है सारे पानी को हम निकाल लेंगे। इस तरह से आलू को हम निचोड़ लेंगे, ये नाश्ता खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। आलू में से पानी को मैंने अच्छे से निकाल लिया, ये देखिए ये एकदम ड्राई हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया था, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, प्याज को इसमें डाल देंगे। गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। दो हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसमें हम डाल देंगे पनीर, दो चम्मच के करीब इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे, इससे ये जो हमारा नाश्ता है कुरकुरा बनेगा। दो चम्मच बेसन डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये जो हमारा मिश्रण है थोड़ा टाइट है तो आप इसमें एक दो चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आलू का चीला बनाने के लिए चलते हैं हम चूल्हे। इधर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और चूल्हे पर तवे को चढ़ा दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तवा हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये जो हमारा आलू का चीला है तवे में चिपक सकता है। तवा हमारा अच्छा गर्म हो चुका है और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इस पर हम अब मिश्रण को डाल देंगे, देखिए, और इसको हम हाथों की सहायता से इस तरीके से फैला लेंगे। ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है दोस्तों, अब इसे हम नीचे की तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे, इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएगा और अंदर कच्चा के कच्चा ही रह जाएगा। तो इसे ये जो हमारा आलू का चीला है बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से नीचे की तरफ से सेक लेते हैं। दो मिनट के बाद इसके किनारों पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करना है। ये नाश्ता दोस्तों थोड़ा सा तेल में ही बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे हम एक बार पलट लेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों तवे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। पलट लेंगे, ये देखिए ऊपर की तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसके किनारों पर फिर से तेल डाल देंगे, ये देखिए एकदम थोड़ा सा तेल मैंने डाला है और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से इसको सेक लेते हैं। दूसरी तरफ से भी इसे हम एक बार पलट करके चेक कर लेते हैं कि अच्छे से सिका है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से सिक चुका है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे आलू चीला को हम इसी तरह से सेक लेंगे। सारे आलू चीले को बना लिया दोस्तों, ये देखिए। तो लीजिए दोस्तों हमारा गर्मा गर्म आलू का चीला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो भी दही के साथ। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।